डेंगू में लगातार इंदौर में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। बीते 3 दिनों से डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में इस साल डेंगू मरीजों की संख्या 503 तक पहुंच गई है। पिछले 9 सालों में ये दूसरा मौका है जब डेंगू मरीजों की संख्या 500 के पार हुई है। इससे पहले 2023 में 458 डेंगू के केस मिले थे। हाल ही में मिले 12 मरीजों में से 5 पुरुष और 7 महिलाएं हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इन सभी मरीजों का इलाज घरों में ही चल रहा है। वहीं नगर निगम और मलेरिया विभाग इन जगहों पर छिड़काव कर रहा है। 503 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, इसमें 302 पुरुष और 201 महिलाएं, साथ ही इसमें 59 बच्चे भी है। देखिए, केस बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि जो बारिश का पैटर्न होता है वो चेंज होता रहता है। बारिश कम हुई, ज़्यादा हुई, इससे ज़्यादा प्रभाव इस बात का पड़ता है कि जो वाटर बॉडीज़ है वो कितनी बढ़ रही है और मॉस्किटो की ब्रीडिंग कितनी बढ़ रही है। देखिए, हमारी जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के साथ भी हमारी टीम जो है काम कर रही है। जहाँ पर भी हमें डेंगू मरीज की जानकारी मिल रही है, हमारी टीम द्वारा वहाँ पर लार्वा सर्वे किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम के माध्यम से हम उन प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग भी करवा रहे हैं।